बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या कना बदो या कनस्ताइन। सबसे पहले मेरा एक गिला है कि आपने वो कारकुनों को इतनी दूर रखा, इनको सामने आने देना चाहिए था ताकि बातचीत हो सकती। मैं अपने मियांवाली के कारकुनों का आज खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अगर आज मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो उसमें मियांवाली के कारकुनों का सबसे ज्यादा उनकी वजह से मैं यहां पहुंचा हूं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इसलिए फिर मैं गिला कर रहा हूं कि उनको करीब लाने देने, इतना दूर उनको आपने खड़ा कर दिया। अच्छा जी, मियांवाली, सबसे पहले इंशाल्लाह जब ये हमारे 5 साल मुकम्मल होंगे तो मैं आज आपको दावे से कहता हूं मियांवाली के लोगों कि कभी मियांवाली की तारीख में इतनी ज्यादा मियांवाली में तरक्की नहीं होगी जो इंशाल्लाह इन 5 सालों में होगी। एक तो ये वजह कि आपने मियांवाली मेरे साथ अब तब चले जब और कोई नहीं था मेरे साथ, इसलिए जो मैंने हमेशा आपसे वादा किया था कि अल्लाह जब भी मौका देगा तो मियांवाली के लोगों को मैं अपनी परफॉर्मेंस से उनका अपनी परफॉर्मेंस से मियांवाली के लोगों ने जो मेरे पर एहसान किया वो आपकी खिदमत करके एहसान पूरा करूंगा। और दूसरा मेरा वादा कि जो जो पाकिस्तान में इलाके पीछे रह गए हैं, हमारा कबायली इलाका पीछे रह गया, सारा मियांवाली बखर हजनपुर डीजी खान बलोचिस्तान ये सब पीछे रह गए हैं, क्योंकि यहां तरक्की कभी भी ऐसी नहीं हुई कि कमजोर इलाकों को साथ लेके चले, गरीब लोगों को उठाएं। हमारी बदकिस्मती कि यहां पैसे वाले और ज्यादा पैसे वाले बन गए, गरीब गरीब हो गया और जो इलाके पीछे थे वो और पीछे चले गए। तो मेरी पूरी कोशिश है कि सारे पाकिस्तान के इलाके जो पीछे रह गए थे इंशाल्लाह ये 5 सालों में जब हमारे मुकम्मल होंगे सबसे ज्यादा तरक्की इन इलाकों में पासमानदा इलाकों में हमारे 5 साल में होंगे पाकिस्तान की तारीख में। अब मियांवाली, सबसे पहले तो मेरा जोर आपकी तालीम के ऊपर है, आपके स्कूलों के बेहतर करना, ख्वातीन के लिए कि उनके लिए बेहतर तालीम करना, ये जो नमल यूनिवर्सिटी बन रही है इक्तदार में आके नहीं बनी है, ये मैंने खुद पैसे इकट्ठे करके जो आपके सामने नमल यूनिवर्सिटी बन रही है ये आज याद रखना कि ये वो यूनिवर्सिटी होगी
कि बाहर से सारे पाकिस्तान से लोग इधर तालीम हासिल करने आएंगे और अभी भी आ रहे हैं। मियांवाली के लोगों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिले से यहां आपको तालीम मिलेगी और इंटरनेशनल लेवल की आला तालीम, क्योंकि ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनेगी। उसके अलावा जो आज जिसके लिए मुझे मैं खास तौर पे आया हूं, बल्कसर से मियांवाली की सड़क और मियांवाली से मुजफ्फरगढ़ की सड़क, ये इसलिए बनानी थी क्योंकि यहां बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते थे, सड़क का बुरा हाल था। तो ये मेरा वादा था, 3 साल लगे हैं लेकिन इंशाल्लाह ये सड़क अब शुरू होगी और अंदर 1.5 साल में ये मुकम्मल हो जाएगी। अब मियांवाली के लोगों, मसलों की बात करता हूं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ही नहीं सिर्फ दुनिया का, महंगाई है। ये महंगाई क्यों है? आप सब शऊर रखते हैं, ये दुनिया में महंगाई क्यों हुई? ये इसलिए हुई, कोरोना आ गई, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, दुनिया में कारोबार बंद हो गए, तजारत खत्म हो गई, कम हो गई। जो जब तजारत कम बंद हुई या कम हुई तो चीजें दुनिया में कम हो गई, जब कम हुई कीमत ऊपर चली गई। ये दुनिया का मसला है आज, तो ये आपको पहले सबसे समझना है कि ये महंगाई पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं, दुनिया का मसला। उसी यूनिवर्सिटी के अमेरिका में, जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है, 1982 के बाद अमेरिका की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है, कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से। तो पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है, लेकिन हमारा मसला यह है कि जब चंद महीनों में तेल की कीमत दुगनी हो गई, गैस की कीमत दुगनी से भी ज्यादा, कोयले की कीमत दुगनी, जो घी बाहर से हम मंगाते हैं उसकी दुगनी से ज्यादा कीमत, तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ी। लेकिन इंशाल्लाह ये हमें सब नजर आ रहा है कि ये तीन महीने 4 महीने के बाद सारी दुनिया में कीमतें नीचे आ जाएंगी। तो इस वक्त एक मुश्किल वक्त हमारे, हमें भी और दुनिया को सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए पैकेज हम शुरू कर रहे हैं, आधी आबादी को जिनकी कीमत 50,000 रुपए महीने से, जिनकी आमदनी कम है, उन सबको हम आटा, घी और दालों के ऊपर 30% हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं। उनको हम पैसे देंगे कि 30% उनको एहसास राशन के नीचे कम कीमतें मिले। उसके अलावा कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, 20 लाख वो खानदान जो कमजोर हैं, सबसे कमजोर खानदानों के लिए कामयाब पाकिस्तान में सबसे पहले इन खानदानों के लिए सूद के बगैर कर्जे 5 लाख के, एक खानदान को 5 लाख के सूद के बगैर कर्जा। किसानों के लिए देहातों में और शहरों में अपना कारोबार शुरू करने के लिए सूद के बगैर कर्जा। दूसरी चीज, 27 लाख रुपए सूद के बगैर कर्जा मिलेगा अपना घर बनाने के लिए। तीसरी चीज, हेल्थ कार्ड मिलेगा और इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड तो पंजाब के सारे खानदानों को मिलेगा
अगले मार्च तक, जनवरी से हेल्थ कार्ड मिलना शुरू होगा और मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों को हम हेल्थ कार्ड देंगे। मतलब ये कि हर खानदान के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस होगी, किसी भी अस्पताल, प्राइवेट या सरकारी, कहीं भी जाके एक खानदान अपना इलाज करवा सकता है 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। और ये मियांवाली के लोगों, मेरी सबसे ज्यादा कोशिश थी कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो एक दिन जो हमारे लोगों को, गरीब लोगों को सबसे मसला पड़ता है कि गरीब घराने में बीमारी हो तो मकरूज हो जाता है, कर्जे लेके अपना इलाज करवाता है, तो इंशाल्लाह मार्च तक सारे पंजाब के अंदर हर खानदान के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा, 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद मियांवाले के नौजवानों, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा हम अब नौजवानों की तालीम के ऊपर स्कॉलरशिप देने पे खर्च कर रहे हैं। 47 अरब रुपए की हमारे सूबे पंजाब पख्तूनख्वा और फेडरल गवर्नमेंट 47 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स देगी मेरिट के ऊपर। गरीब घरानों में जो हमारे नौजवान जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं और पैसे नहीं है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी 62 लाख लोगों के लिए, 62 लाख नौजवानों को स्कॉलरशिप मिलेगी। अब अगली बार मियांवाली के लोगों, मैंने आपसे जब कैंपेन करता था तो वादा किया था कि पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा जो कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। हम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हैं, मेरे वालदैन गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। मैंने आप सबसे कहा था कि जब भी अल्लाह ने मौका दिया तो कभी पाकिस्तान किसी की गुलामी नहीं करेगा, और इंशाल्लाह आप ये देखते रहेंगे कि एक आजाद मुल्क जो अपने पैर पे खड़ा होगा, अपने फैसले करेगा, और आप ये देखेंगे कि ये जो अब तक हमें कभी किसी की गुलामी करनी पड़ी, कभी किसी की, आजाद होके भी, आजादी के बाद भी हम आजाद फैसले नहीं कर सकते थे, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान वो मुल्क है अब जो अपनी अवाम, जो बेहतरी अवाम अवाम की हो, जो अवाम के फायदे होंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान के फैसले होंगे। और मैं अपनी कौम को यह कहना चाहता हूं कि हम सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जो जिनका नजरिया मुख्तलिफ है उनसे हम बातचीत करें, जो जिसको लेफ्ट कहते हैं, जिसको राइट कहते हैं, सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। सबसे हम बैठ के अपने मसले अमन से हल करने के लिए तैयार है, चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, चाहे हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों, वजीरिस्तान के लोग हों, जिधर भी हों, सबसे हम बातचीत से मसले हल करेंगे। सिर्फ हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए, और ये इसलिए नहीं करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो कौम जिसमें कानून की बालादस्ती नहीं है, जिसमें कानून की हुक्मरानी नहीं है, वो तबाह हो जाती है। जो कौम ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आती, जो बड़े बड़े डाकों से एनआरओ देती है, वो कभी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए सबसे मफामत करने के लिए तैयार हैं,
लेकिन कभी जिन लोगों ने करप्शन किया यानी इक्तदार में आके मुल्क का पैसा चोरी किया, चोरी करके बाहर ले गए, कभी इन लोगों से मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको एनआरओ देगी ना इनसे कभी मुफामत करेगी। इन लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, ये सुन ले मेरी बात, वो कौम जो बड़े डाकुओं से डील करती है वो तबाह हो जाती है, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप चोरी को बुरा ही नहीं समझते तो मेहनत कौन करेगा उस कौम में? क्यों लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, आठ आठ बारह बारह घंटे काम करेंगे, वो क्यों करेंगे जब डाका मार के उससे ज्यादा पैसा कमा लो? इसलिए कोई भी महजब माशरा, हर महजब माशरा अपने चोरों को जेलों में डालता है, उनसे डील नहीं करता। कोई भी मुल्क जो खुशहाल है उन सारे मुल्कों में कानून की बालादस्ती है। जो मुल्क गरीब हैं वह ताकतवर के लिए एक कानून, ताकतवर डाकुओं के लिए एनआरओ, गरीब जेल में होते हैं, इसलिए वह मुल्क गरीब हैं। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो उसको सजा मिलेगी, कोई कानून से ऊपर नहीं है। और जो उन्होंने हमें मिसाल दी थी मदीना की रियासत की, जो उन्होंने हम दुनिया के सामने जिन असूलों पे मदीना की रियासत खड़ी की थी, उन्होंने अल्लाह ने हमें कुरान में हुक्म दिया था कि उनके शरिया पे चलो, उनके रास्ते पे चलो, उनकी जिंदगी से सीखो, वो इसलिए कि इसमें हमारी बेहतरी है। मदीना की रियासत के ऊपर जो मुसलमानों की कौम बनी थी उसने कई सौ साल तक दुनिया की इमामत की थी। पाकिस्तान भी वो मुल्क है, जब तक हम उन उसूलों पर नहीं चलेंगे, और वो उसूल दो हैं, रूल ऑफ लॉ यानी के कानून की हुक्मरानी, और इंसानियत का निजाम यानी के फलाही रियासत। ये दो, इन दो नजरियों के ऊपर इंशाल्लाह हम इस पाकिस्तान को उठाएंगे और एक अजीम कौम बनाएंगे। मैं मियांवाली के लोगों, आखिर में आप सबको आज खराज तहसीन भी पेश करता हूं, क्योंकि आप ना मेरे साथ खड़े होते मैं आज यहां ना होता। और दूसरी चीज, मैं आपका इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऊंच नीच में हमेशा मेरे साथ खड़े हुए, और मेरा आपसे वादा है कि ये वक्त साबित करेगा कि मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। इंशाल्लाह इस मुल्क को उधर लेके जाऊंगा जिसके लिए ये पाकिस्तान बना था आज से 74 साल पहले। एक अजीम ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, और इंशाल्लाह उसी ख्वाब के ऊपर अपनी कौम को एक अजीम कौम बनाऊंगा, दुनिया में मिसाल बनेगी पाकिस्तान। कोई ताकत इस मुल्क को नहीं रोक सकती एक अजीम कौम बनने से। मुश्किल वक्त सारी कौमों की जिंदगियों में आते हैं, आजकल दुनिया में मुश्किल वक्त आया हुआ है, लेकिन अल्लाह का करम है, हमारा वो मुल्क है जो कोरोना में, कोरोना की वबा में पाकिस्तान की मिसाल दी जाती है कि वो मुल्क है जो सबसे बेहतर तरीके से उससे निकला है। और मैं मोहाड़ के लोगों के लिए आखिर में ये कहना चाहता हूं कि दोनों चीजों के ऊपर गौर हो रहा है, एक के नहर हम लेके जाएं ऊपर ताकि वहां मोहाड़ के लोगों के ऊपर जो मुश्किल वक्त है, वहां पानी नीचे चला गया है, बिजली का बिल ज्यादा है, तो एक उसके लिए कोशिश करेंगे, वो नहर के फिजिबिलिटी भी बन रहा है, और दूसरा सोलर ट्यूबवेल। अगर हम ये भी देख रहे हैं कि अगर
बलूचिस्तान में और ये सारे मोहाड़ के इलाके में अगर सोलर के ट्यूबवेल लगाए हैं तो कम से कम ये जो महंगी बिजली और बदकिस्मती से महंगी बिजली की वजह ये कि सारे कॉन्ट्रैक्ट ये जो साइन किए हुए हैं जो महंगी बिजली के वो हमारे से पहले के हैं। तो इसलिए अगर हम सोलर ट्यूबवेल लगा दें हम उसकी फिजिबिलिटी देख रहे हैं कि उससे आप सबके लिए जो पहाड़ के लोग हैं जिधर बड़े बड़े बिजली के बिल हैं क्योंकि पानी बहुत नीचे चला गया है तो हम कोशिश करेंगे कि सोलर ट्यूबवेल से अगर पानी उठ सकता है इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो फिक्र ना करें, सोच रहा हूं मैं इसके ऊपर जो भी बेहतरीन हल होगा मोहाड़ के लोगों के लिए इंशाल्लाह वो हम हल लेके आएंगे यहां से कुशाब तक। और मैं कारकुनों, अब तो जो मेरे कारकुन थे शुरू हुए मेरे साथ 25 साल पहले, उनके तो बच्चे भी अब उन जो मेरे साथ थे उनकी उम्र से बड़े हो चुके हैं। तो जो नए नौजवान आ रहे हैं मियांवाली में, आप सबके लिए मेरा आखिरी पैगाम यह है कि बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, आप तैयारी करें और मियांवाली में भरपूर तरह शिरकत करें बल्दियाती इलेक्शन में और दुनिया को पता चले कि मियांवाली वो है जो पहले मियांवाली में काम इलेक्शन में मियांवाली जिताती है उस पार्टी को जो उसके बाद सारे पाकिस्तान में छा जाती है। शुक्रिया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान मियांवाली में अवामी इजतमा से खिताब कर रहे थे। अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान